गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल। चलिए सर, एज आई रिमेम्बर इन द लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड द प्रिलिमिनरी आई गेस। सही? यस ओके, तो वी आर इन पोजीशन टू डिस्कस कर्व्ड मिरर टुडे, राइट? तो कर्व्ड मिरर कह लो या स्फेरिकल मिरर कह लो, उस पर हमारा डिस्कशन होगा। बट बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन द स्फेरिकल मिरर, आपको दो क्वेश्चन करने हैं यहाँ पर। एक ये सर के ये आप मान लीजिए, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम वंस अगेन। ये आप मान लीजिए कि इट्स अ स्फेरिकल ग्लास और स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कुछ भी मान लो, एंड द रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल ग्लास और स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आर। ये इसका रेडियस है। आपसे कहा जा रहा है कि सर द रे स्ट्राइक्स दिस स्फेरिकल सरफेस समवेयर हियर, है ना, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द नॉर्मल। ये आपको क्वेश्चन में आई एम मेंशनिंग दैट द रे इंसिडेंट्स ऑन द सरफेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द नॉर्मल ड्रॉन टू दिस पॉइंट। अज्यूमिंग दिस सेंटर ऑफ द स्फीयर टू बी योर ऑरिजिन, यू हैव टू राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, यू हैव टू राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस। आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं सर। कोऑर्डिनेट, ओरिजिन कहां पर अज्यूम करना है, तो ओरिजिन आपको अज्यूम करना है एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल ग्लास, एंड यू हैव टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट दैट आई हैव जस्ट शोन यू इन द डायग्राम। भाई सबको ये बात समझ आई मैंने क्या बोला है? यस ठीक है, तो अब देखिए इस केस में अपन कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, इफ यू वी हैव टू शो द कोऑर्डिनेट, तो एक बात तो क्लियर है सर कि हमारा जो रे आया वो इंसिडेंट हुआ एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री पे, तो एट द सेम एंगल इट विल गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। तो ये वाला जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 45 डिग्री विदाउट एनी डाउट। अच्छा एक बात मैं ये भी कह सकता हूँ कि इफ दिस इज 45 दिस इज आल्सो 45 कह सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल के साथ जो ये नॉर्मल एंगल बना रहा होगा तो दैट विल आल्सो बी 45 डिग्री। बोलो बेटे। यस सर। ठीक है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो जब ये भी 45 ये भी 45 और ये रेडियस मैंने बोला है आर है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सोचिए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये आर है तो इसमें ये वाई हो गया इसका कोऑर्डिनेट, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। This yes. green line is representing the x-coordinate of this point at which the reflection is taking place. Yes. And yes. another line that I have just shown you here is blue line. This is giving you the vertical coordinate of this point. तो ये हमें ये length लिखना है ना, तो ये वाली ये distance is r. तो ये r cos 45 नहीं होगा सर? Yes sir. ये green वाली line का length और blue वाली line का length जो vertical line है वो r sin 45 होगा। तो अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, r cos 45 दैट इज r बाय रूट टू, और r sin 45 इज आल्सो r बाय रूट टू। बट यहाँ पर एक की कैच है, देखो की कैच क्या है इस क्वेश्चन का, कि r बाय रूट टू जो x कोऑर्डिनेट है दिस विल बी रिटन एज माइनस ऑफ r बाय रूट टू, एंड द y कोऑर्डिनेट विल बी रिटन एज प्लस ऑफ r बाय रूट टू। डिड यू अंडरस्टैंड वाई? यस सर। यस ठीक है, बिकॉज योर x coordinate is on the left of the origin and your y coordinate is above the origin, so y coordinate is positive but x coordinate is negative, so that is why ek aap likhenge minus of r by root 2 and the another one you will write it as plus of r by root 2. I hope aapko meri baat samajh mein aa gayi hai. Jaldi se isko note kare to main dusra ek question aap se isi basis pe puch lu. Then now the next question based on the same concept. Question is this way कि मान लीजिए ये वाला जो अब आपको मैंने spherical glass लिया था, that is now I am taking it as a parabolic reflecting surface. Parabolic reflecting surface and the equation of this parabola is given as x is equal to y square.
आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि सर फिर से रे आ रही है, रे स्ट्राइक्स, ठीक है, स्ट्राइक्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड, ऑब्वियसली इट विल गेट रिफ्लेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एज वेल. तो आपका क्वेश्चन ये है कि फिर से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं, एक्स वाई क्या होगा, ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है आपको विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. ओरिजिन कहाँ पर लोगे आप, तो सेंटर ऑफ द पैराबोला पे आप लोगे, है ना. तो अब ये तो नहीं कह सकते आप कि भाई ये जो डिस्टेंसेज होंगे वो रेडियस के बराबर होंगे, यू कैन नॉट क्लेम दैट. तो इसमें जो इक्वेशन आपको गिवन है वो इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. फ्रॉम दिस इक्वेशन यू हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच द रे इज रिफ्लेक्टिंग और एट विच द रे इज इंसिडेंट. क्लियर? अब कैसे करें सर, अब तो ये रेडियस नहीं है सर. अब what will be the way to solve this now? How will you write the coordinates? पता नहीं सर, कुछ तो करेंगे. चलिए सर मैं ही सिखाता हूं. अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, टेंजेंट टू दिस पैराबोलिक मिरर, तो मुझे एक बात बता सकते हैं, ये वाला एंगल 45 है, तो what will be the value of this angle? The angle that I have shown with the horizontal line, what will be the value of this angle? Anybody? 45. Yes, of course, it will be 45. ये angle 45 है, ठीक है. और आपको एक बात ये भी याद है from the mathematics कि आप इस tangent का जो slope है, इसको आप या तो dy by dx भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, तो यू कैन राइट दिस एज टैन थीटा. नहीं, स्लोप को आप टैन ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं, या उसी टैन थीटा को डी वाई बाई डी एक्स भी तो लिखते हैं. मैथमेटिक्स में टैन थीटा का दूसरा मतलब डी वाई बाई डी एक्स ही तो होता है सर. यस सर. यस, ठीक है. अगर इतनी बात याद आ गई है तो सुनिए, यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज इक्वल टू टैन 45, और टैन 45 की वैल्यू अपन कितना लिख सकते हैं, तो टैन 45 इज नथिंग बट 1. This is one information that I have got. दूसरा, एक equation हमें parabola के लिए given है. And what is this equation? तो x is equal to y square है. X is equal to y square है. Just differentiate both sides. तो अगर आप both side differentiate कर देंगे with respect to x, do this differentiation with respect to x, तो ये कितना हो जाएगा? 2y dy by dx होगा. Why are you differentiating it with respect to x? So that you get this term dy by dx. नहीं समझ आया? तो dy by dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? dy by dx की वैल्यू 1 upon 2y हो जाएगी बेटे. यहां से आपके dy by dx की वैल्यू 1 है और यहां से dy by dx की वैल्यू 1 by 2y हो गई. तो 1 is equated to 1 by 2y. तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू 1 by 2 हो जाएगी क्या बेटे? Yes. अरे नहीं बोल रहे हो. Yes, y की वैल्यू बेटे 1 by 2 होगी ना. इस y को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, जो हमें पैराबोला की इक्वेशन गिवन थी, तो उससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 by 2 का स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल टू कितना? 1 by 4. तो ये कोऑर्डिनेट होगा, x विल बी इक्वल टू 1 by 4, y इज इक्वल टू 1 by 2. x इज इक्वल टू 1 by 4, y इज इक्वल टू 1 by 2 विल बी द कोऑर्डिनेट्स एट व्हिच द रे इज इंसिडेंट. दूसरी बात, इसमें आफ्टर द रिफ्लेक्शन हाउ द रे विल गो, तो दिस रे विल बी एग्जैक्टली बिकम वर्टिकल. भाई जितने एंगल पे आया है उतने एंगल पे इसको लौटना है, तो ये भी 45 डिग्री होगा. तो दिस इज हाउ द रे विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. बट ये जो कोऑर्डिनेट्स लिए जाएंगे वो कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, तो 1 बाई 2 वाई की वैल्यू है और एक्स की वैल्यू कितनी है, तो एक्स की वैल्यू हमारी हो जाएगी सर 1 by 4. यस सर. चलिए, कैन वी प्रोसीड नाउ? ठीक है, तो अब हम डिस्कशन शुरू करते हैं ऑन द स्फेरिकल मिरर. तो स्फेरिकल मिरर, आप सबको मालूम है कि स्फेरिकल मिरर का बेसिक मतलब है सर के अगर आपको स्फेरिकल ग्लास ले लें एंड यू जस्ट बहुत बेसिक से पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे आज, ताकि अपने को पुरानी बातें थोड़ी थोड़ी याद आ जाए जो हम लोगों ने टेंथ में पढ़ा होगा. तो स्फेरिकल ग्लास ले लें हुज रेडियस इज इक्वल टू आर, लेट अस से, और इस स्फेरिकल ग्लास का अगर मैं कोई पोर्शन कट कर दूं, इस स्फेरिकल ग्लास का कोई पोर्शन अगर मैं कट कर दूं, ये इतना सा पोर्शन मैंने काट दिया, तो इतना सा पोर्शन काट दिया, तो ये स्फेरिकल पार्ट इसका काट दिया, ठीक है. और इस स्फेरिकल पार्ट की अगर मैं पॉलिशिंग कर दूं एक तरफ से, अगर मान लीजिए कि इधर से पॉलिशिंग कर दी,
तो इट विल फॉर्म अ मिरर ऑफ कोर्स, ठीक है, ये जो मिरर फॉर्म होगा इसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं या कर्व्ड मिरर कहते हैं, ठीक है। जनरली इसको स्फेरिकल मिरर कहा जाता है, कर्व का मतलब पैराबोलिक भी हो सकता है, बट ये स्फेरिकल का मतलब ये है कि सर स्फेरिकल मिरर कहने से ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आपका जो मिरर जिस का पार्ट है वो एक्चुअली में वो पैराबोला नहीं है, वो स्फीयर है, मतलब दिस मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ पैराबोला, राइट। तो पैराबोलिक मिरर भी हो सकता है, बट आपके केस में पैराबोलिक मिरर इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो उस पर हम डिस्कशन भी नहीं करेंगे, बट यस इसको स्फेरिकल मिरर या कर्व्ड मिरर भी थोड़ी देर के लिए कह सकते हो। अच्छा, इसी पार्ट का अगर हम पॉलिशिंग इस तरह से कर दें, दैट इज बेंट इन सरफेस इज पॉलिश्ड, है ना, नॉट द बल्जिंग आउट सरफेस बट बेंट इन सरफेस इज पॉलिश्ड। तो अगर हम बेंट इन सरफेस की पॉलिशिंग कर दें तो इस केस में अपन इस दो तरह के मिरर हमें मिल जाएंगे। एक मिरर हमारा कौन सा होगा सर, तो एक मिरर हो जाएगा ये वाला जो मिरर है जिसमें आपका जो बल्जिंग आउट सरफेस है विच इज पॉलिश्ड, तो ये मिरर कहलाता है कॉनकेव मिरर। और ये वाला मिरर कौन सा मिरर कहलाता है जिसमें बेंट इन सरफेस इज नॉन रिफ्लेक्टिंग, इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर दैट वी हैव, वन इज कॉनकेव मिरर एंड अनदर वन इज कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कॉमन हैं, उन टर्म्स में आपको कई सारी बातें याद होंगी, मैं जल्दी जल्दी से आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ क्या क्या टर्म्स कॉमन होते हैं। अपर्चर सुना है आप लोगों ने, अपर्चर, अपर्चर ऑफ द मिरर, दो टर्म सुना होगा आपने मिरर के ज्योमेट्री से, आपने दो टर्म सुना होगा, ठीक है। एक का नाम होता है अपर्चर और दूसरे का नाम होता है कर्वेचर। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज मेंट बाय अपर्चर? डायमीटर ऑफ दैट मिरर। एंड देन व्हाट इज द कर्वेचर देन? रेडियस। अच्छा, डायमीटर और रेडियस दोनों बातें अलग अलग है ना, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो गए ऐसी बात कर रहे हो आप लोग। सर वो स्फेरिकल ग्लास का जो सेंटर होता है। I'm asking about the two terms. One is curvature and another one is aperture. Spherical glass का जो center होता है उसके distance को हम radius of curvature कहते हैं। मैंने term radius of curvature नहीं बोला है। मतलब non mathematics student की तरह बात नहीं करो। अच्छा, आप लोगों ने कभी word curvature सुना ही नहीं है? सर सुना। Yes sir। सुना है तो ठीक है, ये word mathematics में भी इस्तेमाल होता है ना, और वो कर्वेचर का या रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला भी होता है मैथमेटिक्स में। करें नहीं वेस भाई, अपर्चर का मतलब है सिंपली साइज ऑफ द मिरर, मतलब यहाँ से अगर एक लाइन ड्राइंग कर दो तो ये जो साइज ऑफ द मिरर है उसको हम अपर्चर का नाम देंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट के डिस्टेंस को अपर्चर कहेंगे। कर्वेचर का तो मतलब ये हो गया, कर्वेचर का मतलब ये कितना बेंड है या कितना कम बेंड है, ज्यादा बेंड है, वो अपर्चर उसका कर्वेचर कहलाता है। नहीं, अपर्चर का मतलब अपर्चर सिंपली याद रखो साइज ऑफ द मिरर को, क्या कहते हैं साइज ऑफ द मिरर को, अपर्चर कहते हैं। हम जिस कर्वेचर अगर बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा कर्वेचर है तो इसका रेडियस बहुत कम होगा। कर्वेचर बढ़ेगा तो कर्वेचर बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा। इसीलिए तो प्लेन सरफेस अगर ले लो तो उसका प्लेन सरफेस का जो रेडियस होता है वो इनफाइनाइट होता है, सुना है कभी आप लोगों ने? तो कर्वेचर हमारा जो होता है ना बेटा, जो हम स्फेरिकल मिरर इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कर्वेचर बहुत कम है, बहुत कम, ठीक है। तो ये कर्वेचर हो गया। दूसरी बात, इसका जो मिड पॉइंट है, मिडल ऑफ दिस मिरर इज कॉल्ड एज पोल, जनरली इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। और इसका सेंटर क्या होगा या रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, उसमें ये आसिया आपकी डेफिनेशन बिल्कुल सही है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होगा कि द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मिरर टू विच दिस स्फेरिकल ग्लास टू विच मिरर इज पार्ट, मतलब इस स्फेरिकल ग्लास का जिससे हमने ये मिरर बनाया है उसका उसका जो रेडियस है वो इस मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, और इसका जो सेंटर है वो इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, समझ गए। और ऐसी लाइन विच पासिस थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और ज्वाइंस पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, that will be simply considered as the principal axis, right? सारी बातें समझ आ गई? Yes, sir. That will be considered as the principal axis, है ना? ये तो basic basic बातें हो गई। एक और छोटी छोटी बात कर लेते हैं हम लोग, जिसको हम कहते हैं भाई sign convention क्या होता है, और फिर वो कब कहाँ पर object रखते हैं, पर कब उसकी मेरा image कहाँ पर बनती है। एक मिनट रुक जाओ, I'll get back to you people. एक मिनट।
ठीक है, तो सर अब मेरी बात सुनिए, बेसिक बेसिक कुछ पॉइंट्स पे चर्चा कर लें। सबसे पहला हम साइन कन्वेंशन पे चर्चा करेंगे। साइन कन्वेंशन के लिए आप एक बात याद रखिएगा, सीधा सा एक स्टेटमेंट याद रखिए कि अगर हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, आई रिपीट, अगर हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब द डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो ऑल द डिस्टेंसेज व्हिच इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विल बी टेकन पॉजिटिव। जितनी भी डिस्टेंसेज आप मेजर करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे वो पॉजिटिव होगी, और अगर डिस्टेंसेज आप मेजर कर रहे हो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे तो वो निगेटिव होगी। क्या मतलब है सर? मान लीजिए कि सर ये ऑब्जेक्ट है आपका और यहाँ से आपकी ये रे ऐसे जा रही है, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से ये रे ऐसे जा रही है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है और रे यहाँ से जा रही है तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसका डिस्टेंस अगर हम मेजर करेंगे, इसका डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, ये डिस्टेंस हम मेजर करेंगे कैसे जाएंगे, हम पोल से जाएंगे, तो पोल से अगर ये डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं तो वी विल हैव टू गो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो ये जो डिस्टेंस होगी दिस विल बी टेकन एज नेगेटिव। समझ गए? अगर हम मान लो कि इन केस, अगर वैसे हमारे कॉनकेव मिरर में एक इमेज बनती है ना पीछे, वर्चुअल इमेज एक कंडीशन में बनती है, तो अगर मान लो ये इमेज बनी है और इसके डिस्टेंस को हमें मेजर करना है, तो हमें मेजर करने के लिए वी विल हैव टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे फ्रॉम द पोल। पोल से हमें किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? तो पोल से हमें इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस मेजर होगी, इस डिस्टेंस को हम कौन सी डिस्टेंस कहेंगे? ये इमेज डिस्टेंस कहलाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो इस ये इमेज डिस्टेंस कैसी होगी बेटा, नेगेटिव या पॉजिटिव? तो अनडाउटेडली इट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि आप इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जिधर इंसिडेंट रे उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, तो डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर होगा वो पॉजिटिव होगा, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर होगा वो डिस्टेंस नेगेटिव होगा। आई होप आपको मेरा पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, के ऑल द डिस्टेंसेज विच इज मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी पॉजिटिव एंड ऑल द डिस्टेंसेज विच इज मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी टेकन एज नेगेटिव। आई रिपीट, ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव होगा एंड ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस वो कैसा होगा? तो वो नेगेटिव होगा। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ये छोटा सा साइन कन्वेंशन हो गया, किससे रिलेटेड हो गया सर? ये दिस डिस्कशन इज बेस्ड ऑन साइन कन्वेंशन। पहला पॉइंट तो सबको समझ में आ गया। मूविंग ऑन, दूसरा पॉइंट, कब कहां पर इमेज बनती है ये भी याद कर लेते हैं। थोड़ा सा टेंथ में पढ़ा था। मान लीजिए कि ये आपका ये एक पॉइंट होता है जिसको हम फोकस कहते हैं। अभी फोकस क्या होता है उस पर मैं आऊंगा, बट उससे पहले ये समझ लो, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है तो कौन बताएगा मुझे इमेज कहां पर बनती है? ऑब्जेक्ट को आपने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है तो इमेज कहां पर बनेगी? ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है तो इमेज कहां पर बनेगी? सर फोकस से पहले। फोकस से पहले, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। कहां पर बनेगी? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। अगर आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, ऑब्जेक्ट को अगर आपने स्पेशली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो फिर इमेज आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। तो मैं पूरी बात बता दूं, अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा है बियॉन्ड सी, तो आपका जो इमेज बनेगा वो बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, अनडाउटेडली इट विल बी अ रियल इमेज। अगर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, इमेज आपको कहाँ पर मिलेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगी। कितने साइज के मिलेगी? तो उसका साइज उतना ही होगा, मतलब ऑब्जेक्ट हाइट जितनी है उतनी इमेज की भी हाइट होगी, रियल इमेज होगी। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो आपकी जो अब इमेज बनेगी दैट विल फॉर्म बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगेन इट विल बी रियल। अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया है, एग्जैक्टली फोकस पर, तो इमेज जो बनेगी वो कहां पर बनेगी? इन्फिनिटी पर। और कैसी इमेज बनेगी यहां पर? इस केस में इन्फिनिटी पे इमेज बनती है। और कैसी बनती है? रियल। अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा है, ये पोल है आपका और ये फोकस है, तो इसके बीच में अगर रखा है, इसके बीच में अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है, इसके बीच में अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस केस में जो आपकी इमेज बनेगी वो आपकी कहाँ बनेगी? बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगी। और कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। और कैसी बनेगी? मैग्निफाइड बनेगी। बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगी और कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। और कैसी बनेगी? मैग्निफाइड बनेगी। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर टू ऑल। याद आ गया? यस। चलिए सर, ये सब याद आ गया। तो अब एक और छोटा सा पॉइंट लिखिए।
उसके बाद फिर डिस्कशन हम शुरू करते हैं। अच्छा पहले एक और छोटी सी बात मैं समझा दूं, फोकस क्या है सर, फिर से फोकस भी याद कर लेते हैं जरा सा जल्दी से। फोकस क्या है, तो अगर मान लो कि ये मिरर है आपका, दोनों मिरर के लिए मैं अलग अलग बात कर देता हूँ। ये आपका एक कॉन्केव मिरर दिखाया है मैंने पहला वाला, और द सेकंड मिरर दैट आई एम ड्रॉइंग हियर इज कॉन्वेक्स मिरर। अगर हमने रे पैरेलल ले लिया, रे अगर हमने पैरेलल ले लिया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और आपस में भी पैरेलल हो और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भी हो, तो आपकी रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर विल अपीयर टू बी या विल कन्वर्ज टू अ पॉइंट आफ्टर द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रेज हैं वो कहां पर मिलेंगी, तो दे विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द पॉइंट एट विच दीज रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन, रेज कैसी पैरेलल रेज, दीज रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन कन्वर्ज, दैट पॉइंट इज बेसिकली कंसीडर्ड एज द फोकस। इस पॉइंट को अपन क्या नाम देंगे, इस पॉइंट को हम फोकस कहेंगे, एंड दिस फोकस इज बेसिकली फॉर्मिंग ड्यू टू द कन्वर्जिंग ऑफ द रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, द सेकेंड केस, क्या अगर मान लीजिए कि इस केस में कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी हम पैरेलल ले लेते हैं, लेट दीज टू रेज बी पैरेलल टू ईच अदर, उस केस में रिफ्लेक्शन ऐसे होगा बेटा, इस केस में रिफ्लेक्शन ऐसे होगा। अब इस केस में अगर आप एक्सटेंड करें, आप रिफ्लेक्टेड रेज को अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, इफ यू एक्सटेंड दीज रेज, ठीक है, बिहाइंड दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इस केस में दीज टू रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन will appear to be diverging from a point on the principal axis, and the point from where these two rays after the reflection appears to be diverging is known as the focus. So, do focus ki definition hai. Ek to focus ki definition for the concave mirror ye hai ki the point at which the rays after the reflection or parallel rays after the reflection converges will be called as focus, or the point from where the parallel rays after the reflection diverges will be considered as the focus. ठीक है, अब एक पॉइंट आप लोग लिख लें, एक पॉइंट आप लोग लिखें, उसके बाद फिर हम आगे की कहानी पर डिस्कशन करते हैं। एक पॉइंट लिखें, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, जो पॉइंट मैं कह रहा हूं वो लिखें। इफ रे आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, if rays are very close to the principal axis, if rays are very close to the principal axis, then if rays are very close to the principal axis, then the rays are considered paraxial. If the rays are very close to the principal axis, then the rays are considered paraxial. Paraxial, P-A-R-A-X-I-A-L, paraxial. लिख लिया? Yes, sir. Next point, the angle that the paraxial ray makes. The angle that the paraxial rays makes with the principal axis, the angle that the paraxial rays makes with the principal axis will be very small. The angle that the paraxial rays makes with the principal axis is very small. Is very small. लिख लिया? Yes, sir. तीसरा point. All the formulas derived. All the formulas derived. Is only applicable. For the paraxial rays, all the formulas derived is only applicable for the paraxial rays. मतलब मिरर के केस में हम जितने भी फॉर्मूला ड्राइव करेंगे वो सारे के सारे कब एप्लीकेबल हैं? ओनली फॉर द पैराक्सियल रेज।
all the formulas are derived is only applicable for the paraxial rays. अब क्या मतलब है सर इस पूरी कहानी का? देखो बेटा एक बात बताओ, तुम लोग लॉजिकली सोचो. आप एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि सर मैंने इस मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इस ऑब्जेक्ट की ये हाइट है, सही, इस ऑब्जेक्ट की ये हाइट है, तो जो ये रे आ रही होगी ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होगी या इसकी कुछ हाइट होगी? सोच के देखो, आप खुद लॉजिकली सोचो. हाइट होगी, जाहिर है हाइट होगी. अगर रे की हाइट है जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर उस केस में ये जो रे है विल नॉट बी कंसीडर्ड एज पैराक्सियल. तो आप जितने भी अभी फॉर्मूला ड्राइव करेंगे वो कोई भी इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा. पहला पॉइंट, रे पैराक्सियल कब कहलाएगा? जब ये जो रे आपको दिखाई जा रही है वो बहुत प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज वाली रेज ली जाए. देखो हमेशा याद रखो, किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो रेज होती है वो अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रही होती है. तो हर अलग अलग डायरेक्शन वाली रे की हम बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, हम सिर्फ उसी रेस को कंसीडर कर रहे होंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब होगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत स्मॉल एंगल फॉर्म करेगी. हाउ स्मॉल एंगल दैट शुड बी? इट शुड बी सो स्मॉल दैट यू कंसीडर साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, और यू कैन कंसीडर टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा, और यू कैन कंसीडर कॉस थीटा इज इक्वल टू वन. समझ में आ गई बात? Yes, इसीलिए आज तक आपको किसी ने नहीं बोला होगा कि भाई ये रे कितने हाइट से आ रही है. भाई प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से आ रही है, मिरर पे टकरा रही है, मगर कितने हाइट से टकरा रही है ये आपने कभी नहीं सुना है. क्यों? क्योंकि हम उसको कंसीडर ही नहीं करते. हम जो रेस कंसीडर करते हैं वो पैराक्सियल रेस कंसीडर करते हैं, इसीलिए आपने हाइट नहीं सुना है. द मोमेंट दे विल प्रोवाइड यू द हाइट, जो कि आपके साथ होगा नहीं, बिकॉज आपके जो सिलेबस में पार्ट है वो पैराक्सियल रेस से ही रिलेटेड है. तो द मोमेंट दे प्रोवाइड यू द हाइट, उस केस में क्या हो जाएगा सर? उस केस में सीधी बात है कि सारे फॉर्मूलाज आपके फेल हो जाएंगे, जो भी आप फॉर्मूला ड्राइव करोगे. तो फिर पढ़ा क्यों रहे हो सर? मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम जो पढ़ रहे हैं वो पैराक्सियल रेस के लिए ही पढ़ रहे हैं. हमारे सिलेबस में पैराक्सियल रेस की कहानी, ठीक है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं. यहां तक आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी. तो चलिए सर, अगर इतनी बात समझ में आ गई है, तो पहला जो डेरिवेशन मैं कर रहा हूँ दैट इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ. रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ. आर मतलब मनस्विन, आर मतलब, अभिनव, आर यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल आर. व्हाट डज इट रिप्रेजेंट इन द केस ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स? यस, इट रिप्रेजेंट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर. एंड व्हाट दिस एफ रिप्रेजेंट्स हियर? उसकी हाफ डिस्टेंस. वो तो तुम रटी हुई बात कर रहे हो. एफ का बेसिक मतलब क्या होता है पहले ये बताओ. F focal length है. F क्या चीज है? Focal length है. That is the distance between the pole and the focus is called as focal length. Because mirror के केस में you measure all the distances from the pole. तो pole से measure की हुई distance किसकी? Focus की, is simply considered as focal length. अब आपने जो रटा है ना वो थोड़ा सा भ्रम अपन तोड़ते हैं यहाँ पर थोड़ी देर. देखिए अब मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ कि आप ऐसा इमेजिन कर लीजिए कि आपका कोई कर्व्ड मिरर है, मतलब स्फेरिकल मिरर है, एंड स्पेशली आई एम टेकिंग द कॉनकेव मिरर. और जो भी मैं ड्राइव करूंगा वो वैलिड दोनों मिरर के लिए है, आइदर इट बी कॉनकेव और कॉन्वेक्स. यस, देयर कैन बी द साइन डिफरेंस. कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के लिए वैलिड है. साइन डिफरेंस आएगा, ऑब्वियस सी बात है, दोनों के फोकस में साइन का डिफरेंस होता है, फोकल लेंथ में साइन का डिफरेंस होगा. बट यस, फॉर्मूला एज फार एज द मैग्नीट्यूड इज कंसर्न्ड विल रिमेन द सेम. तो देखिए सर, यहां से आप मान लीजिए कोई रे है, दैट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये रे, और यहां पर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपका, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिरर का वही होगा जो उस स्फेरिकल ग्लास का सेंटर ऑफ कर्वेचर था जिसका ये मिरर पार्ट है ना. आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल शॉर्टली पास फ्रॉम समवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? इस डिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये x हमें फाइंड करना है. आई हैव टू फाइंड आउट दिस x. अब ध्यान से सुनना, जो तुमने 10th में डेरिवेशन किया होगा या जो 10th में रटा है, उस बात को जरा सा हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर. मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये अनडाउटेडली द पॉइंट फ्रॉम वेयर द रे पैरेलल रे विल पास थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी कंसीडर्ड एज द फोकस. बट इस फोकस की डिस्टेंस कितनी है पोल से, दैट इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन. समझ रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Yes. तो देखिए, इसको ड्राइव करने के लिए मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है? ये वाला एंगल थीटा है,
तो ये वाला एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों एंगल थीटा होगा आसिया? आसिया ये सर कौन से दो थीटा? ये वाला एंगल थीटा जो ट्रायंगल के अंदर है। हाँ ये वाला जो रेड से दिखा रहा हूँ। यस सर। ये थीटा क्यों हुआ? वर्टिकल नहीं, ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल ठीक है। अच्छा ये थीटा, ये भी थीटा, तो ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, क्या आपको नहीं लगता इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल? यस सर। यस ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये पूरी जो लेंथ होगी, यहां से यहां तक की जो पूरी लेंथ होगी, ये पूरी लेंथ को हम आर कह सकते हैं क्योंकि सेंटर ही से तो ये दूरी है। इस पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो आई विल ड्रॉ दिस ट्रायंगल नाउ इंडिविजुअली, आई विल शो यू दिस ट्रायंगल। यहां 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 ये पूरी लेंथ आर है और यहां से अगर मैं इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, डोंट यू थिंक दिस विल बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स? दिस एंगल इज थीटा, अनडाउटेडली दिस इज थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर, बोथ आर 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 बाय टू एंड आर बाय टू। सब बोलेंगे बेटे यस सर। यस सर। अच्छा एक बार और देख लो इसका, फिर से मैं आधा पोर्शन आप दिखा रहा हूं। ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल एज यू कैन सी इज थीटा, दिस इज योर आर बाय टू, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। डोंट यू थिंक दिस विल बी इक्वल टू आर बाय टू टाइम्स ऑफ कॉस थीटा? नहीं, आर बाय टू टाइम्स ऑफ सेक थीटा। देखो भाई इस ट्रायंगल में कॉस थीटा लिखोगे, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ये वाली साइड हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये हाइपोटेनियस है बेटे। yes, ये वाला बेस है ना भाई, मैथ्स के बच्चों को ही पढ़ा रहा हूं ना मैं। yes, ठीक है, तो ये बेस है, तो कॉस थीटा अगर अपन लगाएंगे तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जो रेड वाली लाइन है वो हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस मुझे चाहिए, तो आर बाई टू कॉस थीटा नहीं करेंगे, तो आर बाई टू कॉस थीटा करेंगे तो ये आर बाई टू सेक थीटा नहीं हो जाएगा? पता नहीं सर, होगा नहीं? yes, होगा sir. हो जाएगा? yes, sir. तो ये आर बाई टू सेक थीटा हो गया। अच्छा although I don't need this length, but अगर मान लो मैं आपसे पूछता है ये वाली लेंथ कितनी है, इसको मैं कोई और कलर देता हूँ, ये वाली लेंथ, कैन यू सी दिस ग्रीन लाइन? What will be this length? Same. Very good. It will also be r by 2 sec theta because it is an isosceles triangle. ये भी r by 2 sec theta होगा, इधर भी hypotenuse ले लो तो r by 2 sec theta, इधर भी hypotenuse ले लो तो r by 2 sec theta, कौन सा बड़ा delay इसमें? ठीक है? Yes, ये पूरा कितना होगा, पोल से यहां तक की दूरी इज आर, मुझे एक्स चाहिए, कौन बताएगा? सक्षम, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स नाउ? सर आर माइनस आर बाय टू सेक थीटा। अरे वाह, आर माइनस आर बाय टू सेक थीटा। आप सुनो, देयर इज अ की कैच इन दिस नाउ। सर आपने अभी मुझे बोला था, इनफैक्ट आप सभी को ये याद भी होगा कि द डिस्टेंस वेयर फ्रॉम द parallel ray after the reflection will pass will be written as equal to r by 2. ये तो बोला था आपने? yes. भाई focus की distance जिसको हम focal length कहते हैं, उसका formula तो आपने यही रटा है ना, कि focal length is equal to r by 2, half of the radius of curvature, याद किया है बेटा या नहीं? yes sir. yes. करा था आपने, मगर मेरा answer तो कुछ और आ रहा है, इसका मतलब मेरा derivation गलत होगा नहीं? आसिया जी, मनस्विन? यस सर। मनस्विन भाई, मनस्विन साहब नहीं बोल रहे हैं। अभिनव? यस सर। डेरिवेशन ठीक है या गलती है? सर सही है सर। सक्षम क्या कहना चाह रहा है? सर थीटा, अरे वाह, अब बात समझिए, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर विल पास।
अब कहानी वही जो आपने आर बाई टू पढ़ा था वो कैसे पढ़ा था, अब उस बात को समझें। सर वो आर बाई टू की कहानी कैसे आती है? तो अगर मैं आपसे कहूं कि फॉर पैराक्सियल रेस, जो मैंने आपको समझाया था अभी, अगर रेस पैराक्सियल होगी तो थीटा बहुत ज्यादा होगा या बहुत छोटा होगा? फिर आप इसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो कि थीटा बहुत स्मॉल है तो sec थीटा को भी हम 1 लिख सकते हैं, बिकॉज यू कैन राइट cos थीटा एज 1, यू कैन राइट sec थीटा आल्सो एज 1, राइट? तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो x इज इक्वल टू r माइनस ऑफ r बाई टू रह जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू r बाई टू। ये फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, x इज इक्वल टू r बाई टू, और ये x क्या है, तो इट इज नथिंग बट द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू r बाई टू। इसका मतलब बेटे समझो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये रिलेशन f इज इक्वल टू r बाई टू हर जगह वैलिड है ना, हर जगह वैलिड है, आइदर यू हैव द पैराक्सियल रेस और नॉन पैराक्सियल रेस, डजंट मैटर। आप कहोगे पागल बना रहा है, अभी तो कह रहा था कि रे पैराक्सियल होगा तभी r बाई टू आएगा आंसर। भाई ये रिलेशन वैलिड है, बट रे हमेशा जिस डिस्टेंस से पास करेगी वो r बाई टू होगा, ये जरूरी नहीं है। तुम्हें नहीं आया? आगे फिर से सुनो, अगर रे पैराक्सियल नहीं है, रे अगर पैराक्सियल नहीं है, तो रे अगर पैराक्सियल नहीं होगी तो इस केस में क्या होगा सर? अगर रे पैराक्सियल नहीं होगी तो रे पैराक्सियल नहीं होगी तो जो डिस्टेंस जहां से रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन विल पास, दैट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल विल नॉट बी इक्वल टू आर बाई टू, दैट विल बी समथिंग एल्स। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये आर बाई टू का तभी तक फॉर्मूला वैलिड है जब तक आपका रेज पैराक्सियल हो। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप किसी भी रे के लिए आफ्टर द रिफ्लेक्शन द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल विल बी आर बाई टू, ये एक ही केस में आर बाई टू आएगा, एंड दैट इज द केस व्हेन द रे इज पैराक्सियल। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर हमें कैसे समझ में आएगा कि पैराक्सियल रेज है या नहीं है? अगर आपको क्वेश्चन में हाइट ऑफ द रे मेंशन कर दिया जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि रे इज पैराक्सियल। पता नहीं क्या बोले, अगर आपको रे के बारे में ये नहीं बोला, कोई हाइट वाइट नहीं दी है, तो आपको तो हमेशा मान लेना है कि रे पैराक्सियल है, लेकिन हाइट मेंशन कर दिया तो आपको फिर मान लेना है कि नॉन पैराक्सियल है, फिर तो पैराक्सियल नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। कैसे होगा वो, अभी मैं एक दो क्वेश्चन उस पे बेस करवाता हूं आपको, पहले ये नोट करिए जल्दी से। डन सर। सर ये मान लीजिए ये वाली रे, मैं आपसे कह रहा हूं कि दिस इज कमिंग फ्रॉम हाइट ऑफ एफ और ये मिरर है, ठीक है, इस मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज आल्सो टेकन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज टेकन एज आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू आर। आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं मैं कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन वेयर डू यू थिंक द रे विल पास फ्रॉम, मतलब ये कहीं से तो पास करेगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी? अब मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या बेटा इस केस में कैन यू क्लेम दैट कि x विल बी इक्वल टू r बाई टू? नो सर। सब अपने अपने लिए सोचें भाई, ऐसा नहीं कि एकदम खामोश बैठ जाएं, प्लीज अपना दिमाग चलाएं।
बेटे पहले तो ये जल्दी बोलो यार कि ये रे पैरेक्सियल है या नहीं है. आप लोग एकदम चुप हो जाते हैं यार. इज दिस नो द रे सर, पैरेक्सियल और नॉट? नो ऑफ सर, कोर्स नॉट. व्हाई इट्स नॉट पैरेक्सियल? सिंपल सा रीजन है उसका. रे इसलिए पैरेक्सियल नहीं है क्योंकि भाई आपका जो रे है उसकी हाइट गिवन है. एंड व्हेन यू हैव द हाइट फॉर द रे ऑब्वियसली इट विल नॉट बी पैरेक्सियल. तो रे पैरेक्सियल नहीं है, पहला पॉइंट तो ये हो गया. दूसरा पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट पे अगर इफ आई ड्रॉ अ नॉर्मल और इफ आई ड्रॉप A normal to this point where the incidence is taking place, तो मैं ये कह सकता हूँ ना भाई कि ये रेडियस आर के बराबर होगा. नहीं कह सकता बेटा, मुझे एक्स निकालना है. तो पहली बात तो मैं एक्स की वैल्यू निकालूं, लेकिन उसको निकालने के लिए आई विल नीड थीटा. पता नहीं थीटा चाहिए या नहीं चाहिए, क्या बोलते हो आप लोग? Yes. चाहिए बेटे. तो ये वाला थीटा हमें चाहिए. तो थीटा हमें कहाँ से प्राप्त होगा? वेयर फ्रॉम यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा? तो अनडाउटेडली ये देखो, ये ट्रायंगल का मैं कुछ नाम लिख देता हूँ. ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना. आई एम कॉलिंग दिस एज सी. मैं इस पॉइंट को कुछ नाम दे देता हूँ एम और इसको नाम दे देता हूँ पी. ठीक है, कुछ भी नाम दे दिया भाई मैंने. तो इस ट्रायंगल को अगर आप देखें, इन ट्रायंगल ऑफ सी एम पी, अगर आप इस वाले ट्रायंगल को देखें, दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो इस वाले ट्रायंगल में ये सी एम, आपको नहीं लगता कि सी एम इज इक्वल टू आर है? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो है बेटे. Yes, sir. Yes, sir. और yes, CP is equal to F है बेटा. तो हमें क्या निकालना है? What we are supposed to find is the value of theta. हमें perpendicular पता है, हमें hypotenuse पता है. ठीक है? R is the hypotenuse of this triangle and F is the perpendicular for this triangle. तो इस केस में अगर मुझे theta चाहिए तो can I write sine of theta? Sine of theta will be equal to perpendicular upon hypotenuse which is F upon R. तो साइन थीटा की वैल्यू को अपन क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा की वैल्यू को हम लिख सकते हैं एफ अपॉन टू एफ. अब परेशान मत होना कि अभी तो मास्टर तुमने बोला था कि एफ इज इक्वल टू आर बाई टू अप्लीकेबल नहीं होगा. मैंने ये नहीं बोला है. मैंने ये बोला एफ इज इक्वल टू आर बाई टू ऑलवेज होल्ड्स. बट रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू एफ इज इक्वल टू आर बाई टू डिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज. आप नहीं समझ पाए मेरी बात भाई. एफ इज इक्वल टू आर बाई टू इज अ वैलिड रिलेशन, बट रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन जिस डिस्टेंस से पास होगा वो हमेशा आर बाई टू नहीं होगा. Yes, sir. या तुम्हें नहीं आया? आया सर. आ गया सर. ठीक है, इसीलिए आई एम यूजिंग. अच्छा, हमें मालूम है एज एफ इज इक्वल टू आर बाई टू होता है तो यहां से हमने आर को क्या कर दिया? आर को हमने टू एफ लिख दिया एंड दैट व्हाट आई हैव पुट सब्स्टिट्यूटेड हियर. तो एफ एंड एफ विल गो. साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू. तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री आ गई मेरे बच्चों. अब मुझे ये x चाहिए तो x इज इक्वल टू आर माइनस ऑफ आर बाई टू sec 30 लिख सकते हैं या नहीं बेटा? सोच के देखिए. नाउ कैन वी राइट दिस एज sec 30? तो अब ये वैल्यू आप निकाल लेंगे तो x इज इक्वल टू आर माइनस ऑफ आर बाई टू sec 30 की वैल्यू कितनी होगी बेटे? 2/√3. यस 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 सर, 2/√3 है ना. cos का उल्टा हो जाएगा ना. तो x इज इक्वल टू आर इंटू 1 - 1/√3. दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस वेयर from this ray will pass after the reflection on the principal axis. This will be the distance. समझे? देख लीजिए भाई, इसको नोट करिए. एक और सवाल पे लाता हूँ आप लोगों को. Done. वेरी गुड बेटा. अब एक क्वेश्चन करके बताइए तो जल्दी से, बेस्ड ऑन द सेम वैरायटी. ये आपसे बोला जा रहा है अगेन, इट्स अ कर्व्ड मिरर. अगेन आई एम फॉर द सिंपलिसिटी आई एम टेकिंग द कॉनकेव मिरर. आपसे बोला जा रहा है दिस रे इज पैरेलल. ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर मान लीजिएगा. आपका क्वेश्चन क्या है? लिसन टू द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दिस केस. मतलब ये जो रे है वो इंसिडेंट हुई है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ मेजर होता है, हमेशा याद रखिएगा. तो व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर पासेस थ्रू पोल ऑफ द मिरर. आई रिपीट, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट द रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द पोल ऑफ द मिरर. Did you write the question?
find the angle of incidence for which ray after reflection passes through pole of the mirror. Are you trying to solve, beta? Yes. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि you have to find out the angle of incidence for which the ray after the reflection passes through the pole of the mirror. I have got one answer. Let me check. Yash is saying 60 degree. Yash, you are absolutely correct. Manasvin, tum kahan gaye ho bhai? Manasvin, neither you are responding nor you are giving me answers to the problem. Bhai, seedhi baat ye hai ki ray ko yahan se pass hona hai, right? Yahan se pass hona hai. Ye aise pass hona hai. Theek hai, ye aise pass hona hai. तो आप खुद सोचिए इस बात को कि अगर रे को यहाँ से पास होना है और मैं यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर कंसीडर कर लूँ तो दिस विल बी द नॉर्मल भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर मैं अस्यूम कर लूँ तो दिस इज द नॉर्मल राइट दिस विल बी द नॉर्मल आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी दिस एंगल दैट यू आर लुकिंग फॉर अब ये एंगल हम कैसे निकालें तो सीधी बात है सर एक्स इज इक्वल टू आर माइनस ऑफ आर बाई टू सेक थीटा होता है अब सर हमें कैसे समझ में आ गया कि ये वाला फॉर्मूला ही लगाना है भाई आपको इसलिए समझ में आना चाहिए कि आपसे कह रहा है कि रे पैरेलल है और आफ्टर द रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे शुड पास थ्रू द पोल रे पैरेलल है और रिफ्लेक्शन के बाद इट शुड पास थ्रू द पोल भाई अगर ये पोल से पास हो रहा है इसका मतलब ये रे पैरेक्सियल तो नहीं है ना अगर पैरेक्सियल रे होती तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट शुड हैव पास्ड थ्रू द फोकस जो कि कितनी दूरी पे होता है आर बाई टू पर यहाँ पर आप इसकी दूरी निकालिए कहाँ आर बाई टू आ रही है ऑब्वियसली बात है कि ये रे पैरेक्सियल नहीं है And because this is not paraxial, this x is equal to 0. What will you write further? R is equal to r by 2 times of sec theta. Bas khatam. R se r cancel ho gaya bete. So sec theta ki value kitni aa gayi? Sec theta ki value aa gayi 2. So theta ki value kitni aa gayi? 60 degree. I hope aapko meri baat samajh mein aa gayi hogi. Yes, sir. Note it down so that we can now proceed with the mirror formula. नोट कर लिया सबने यस चलो अगर सबने नोट कर लिया तो नाउ राइट द टॉपिक मिरर फॉर्मूला अब मुझे एक बात बताओ शुड वी ड्राइव दिस मिरर फॉर्मूला और जस्ट आई राइट द इक्वेशन इट डिपेंड्स ऑन यू इफ यू वांट मी टू ड्राइव आई विल गो ओनली इक्वेशन यस ओनली इक्वेशन राइट मतलब देखो इसका रीजन मैं पहले आपको बता देता हूँ इट इज नॉट गिवन इन योर सिलेबस आई मीन ये जो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कर्व्ड मिरर इज ऑल्सो नॉट द पार्ट ऑफ द 12th सिलेबस ठीक है तो अगर ये 12th के सिलेबस में नहीं है तो अनडाउटेडली द डेरिवेशन विल नॉट बी आस्क्ड पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट वेदर द सेकंड टर्म एग्जाम आई डोंट नो वेदर इट विल बी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एज देयर इज अ ह्यूज स्पाइक इन द कोविड केसेस एज यू कैन सी और एज यू कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज तो आपको भी पता है कि देयर इज अ ह्यूज स्पाइक एंड स्प्रेड रेट इज वेरी मच है ना उसको डाउन होते होते पता नहीं कितना टाइम लगेगा तो उसको आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि वेदर यू विल गेट द सेकंड टर्म आल्सो एज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आई डोंट नो बट यस चाहे कुछ भी हो बिकॉज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द 12th सिलेबस सो दे विल नॉट आस्क यू द डेरिवेशन फॉर दिस सिंपल सी बात है इसीलिए मैं डेरिवेशन पे चाहोगे तो मैं कर दूंगा बट इट विल टेक टाइम ठीक है तो मैं टाइम खराब ना करके उसको यूटिलाइज कर लेंगे हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में तो इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ अगर किसी के मन में है तो प्लीज अपने वो मन की बात कह दे शुड वी गो फॉर द डेरिवेशन और आई जस्ट राइट द इक्वेशन एंड स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दैट
sir, I think we should go for the derivation. We should go for the derivation? Yes, sir. बोलो शर्माओ नहीं है ना, चलो तो डेरिवेशन करते हैं, है ना? तो डेरिवेशन करेंगे भाई, डेरिवेशन करेंगे, आओ डेरिवेशन करते हैं. तो am I audible to all? Yes. नहीं, I am audible, but the problem is कि my earphone is not working. Give me a second. Okay, I hope I am audible now. Yes. ठीक है, तो चलो मैं डेरिवेशन थोड़ी जल्दी बता देता हूँ आपको. कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी बात कर लें. भाई देखिए, एक बात याद रखिएगा इस डेरिवेशन में, द ओनली की कैच इन दिस डेरिवेशन दैट आई विल बी डूइंग इज दैट कि ये जो आपका कर्वेचर है ना, ये बहुत स्मॉल कर्वेचर है. तो इसका बेनिफिट क्या होगा आप ये बात समझिएगा. यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कहीं यहाँ पर, और यहाँ पर कहीं पर फोकस होगा, लेट मी अस्यूम दैट. ठीक है, यहाँ पर कहीं पर पोल है. तो देर कैन बी डिफरेंट केसेस, बट आई एम नॉट गोइंग फॉर ईच एंड एवरी केस. वी विल बी ड्राइविंग द रिजल्ट ओनली फॉर वन केस, बिकॉज एक केस के लिए आपको पता है तो बाकी सब उसी केसेस का रिपीट टेलीकास्ट है. केसेस मींस व्हाट, कि आपने ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है एंड इमेज आपकी कहाँ पर फॉर्म हो रही है. उस पॉइंट को अगर आप देखो तो वो कहीं भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग इमेज फॉर्म हो सकती है, और ये फॉर्मूला आप किसी भी केस के लिए ड्राइव कर सकते हैं. But if you know one case, then all the cases will be just the repeat of that, the repetition of that, right? So, dekho, maan lo ke maine ek object le liya. This object is AB, which I have placed beyond the center of curvature. So, image banane ke liye at least I need two rays, right, Saksham? Image banane ke liye kam se kam kitni rays chahiye? Do rays chahiye. Kam se kam I need the two rays. Do ray mein main ek ray wo le raha hun, which is parallel to the principal axis. So, undoubtedly, this ray after the reflection will pass like this. और दूसरी रे मैं कौन सी ले रहा हूं, तो आई विल शो यू दैट कि दूसरी रे जो मैं कंसीडर कर रहा हूं, दैट आई एम कंसीडरिंग टू बी इंसिडेंट ऑन द पोल डायरेक्टली. तो जितने एंगल पे ये इंसिडेंट हुआ, उतने एंगल पे इसका रिफ्लेक्शन भी करा दो. ठीक है, तो दीज आर द टू रेज दैट आई एम शोइंग टू यू, एंड फ्रॉम द पॉइंट एट विच दीज टू रेज कन्वर्जेस आफ्टर द रिफ्लेक्शन, दैट पॉइंट विल बी कंसीडर्ड एज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो दिस विल बी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच यू कैन राइट इट एज ए डैश बी डैश. बाकी डिस्टेंसेज अगर आप देखें तो बाकी डिस्टेंसेज आप कह सकते हो कि यहां से यहां की जो डिस्टेंस है, दिस विल बी कंसीडर्ड एज द इमेज डिस्टेंस. यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बिकॉज ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. ठीक है, अब कहानी में बस कुछ नहीं करना है. यू हैव टू टेक द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स एंड यू विल गेट द रिजल्ट. कैसे, तो देखो, कैन यू पीपल टेल मी, मैं कुछ नाम, सारे नाम दिख रहे हैं ना आपको. ये पॉइंट एफ है जो मैं ऊपर बना देता हूँ, ये एफ है. ठीक है, अच्छा आप देखिए कि आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है क्या, जो मुझे दिख रहा है कि ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी. ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी. एम आई करेक्ट? क्यों सिमिलर है भाई? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला 90 तो ये वाला भी 90, तो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. इस केस में अकॉर्डिंग टू द सिमिलर ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी, कैन आई राइट इट एज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं पी बी डैश डिवाइडेड बाय पी बी. तो यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी विल बी रिटन एज इक्वल टू पी बी डैश इज व्हाट, तो पी बी डैश इज द इमेज डिस्टेंस. एम आई करेक्ट? और इमेज डिस्टेंस अगर आप मेजर करेंगे तो आपको पोल से लेफ्ट जाना पड़ेगा और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन राइट की तरफ है, तो इसलिए आई एम पुटिंग अ नेगेटिव साइन बिफोर द इमेज डिस्टेंस. इन द सिमिलरली ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी आप मेजर करेंगे तो आपको पोल से लेफ्ट जाना पड़ेगा. राइट है बेटे? तो इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कैसा लिखेंगे, माइनस ऑफ यू. तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, फ्रॉम दिस यू कैन सिंपली राइट ए डैश बी डैश upon AB will be nothing but V by U. This is the first equation that you have got. Now, one more relation I will need, and for that relation, I'll be doing what? I'll just drop a normal from this point. यहाँ से मैं एक normal इस पे drop कर रहा हूँ, and I'll give it a name as N. इसको मैं N कह रहा हूँ इस point को, और इसको मैं M कह रहा हूँ. अब बेटा आप लोग अपना mathematical दिमाग चला के मुझे बताओ तो, because ये जो mirror हमने लिया है, this is not very much curved. इसका कर्वेचर हमने बोला बहुत कम है, the curvature is very small, है ना? तो मुझे एक बात बताओ, P और N को क्या मैं एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकता हूं? Yes, yes.
बेटा ये अगर ये बहुत ज्यादा कर्व होता तो मैं ये कहता कि इस पॉइंट से जो यहाँ पर ये एन है और ये पी है, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस मेजर करेंगे हम इन दोनों पॉइंट से, मतलब एन से और पी से, दे कैन नॉट बी इक्वल टू ईच अदर, बट ये जो कर्वेचर है ये बहुत कम है, तो डिस्टेंसेज मेजर्ड फ्रॉम पी और यहाँ पर जो ये डिस्टेंसेज मेजर्ड फ्रॉम एन, दे कैन अप्रोक्सीमेटली बी टेकन टू बी सेम, राइट? तो हम इस बात का फायदा उठाएंगे और इस बात का फायदा उठा गया। दूसरी बात यह भी आपको नजर आ रही होगी कि एम एन ए बी के बराबर है या नहीं बेटा, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये दोनों ट्रायंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे दिखाई देंगे, सिमिलर। कौन कौन से ट्रायंगल, आई विल शो यू दैट ट्रायंगल एम एन एफ एंड द ट्रायंगल एफ बी डैश ए डैश, एफ बी डैश ए डैश, दे आर अगेन सिमिलर टू ईच अदर। तो मैं ये कह सकता हूँ अगेन ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई वॉट, डिवाइडेड बाई एम एन, दिस मस्ट बी इक्वल टू वॉट, तो ए डैश बी डैश, तो हम लिख सकते हैं इसको एफ बी डैश डिवाइडेड बाई वॉट, डिवाइडेड बाई एफ एन, नहीं लिख सकते, एफ बी डैश इज इक्वल टू एफ एन लिखा जा सकता है बच्चों? यस सर। अब देखिए अगर आप और ध्यान से देखें तो ए बी डैश अपॉन एम एन, सोचो ये वाली जो लाइन की लेंथ है एम एन और ए बी, क्या अप्रोक्सीमेटली दे आर इक्वल? Yes. तो ये जो एम एन होगा दिस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू ए बी, और दूसरा मैंने बोला कि जो पी से जो डिस्टेंस मेजर करोगे, जो एन से मेजर करोगे, दे विल बी इक्वल, ठीक है? तो इसका मतलब एफ एन को मैं एफ पी लिख सकता हूँ, और एफ बी डैश ये वाली जो डिस्टेंस है ना, एफ बी डैश इज अ डिस्टेंस बट इट इज नॉट एनी पर्टिकुलर डिस्टेंस, आई मीन इट्स अ जनरल डिस्टेंस। पर्टिकुलर डिस्टेंसेस क्या है, फोकल लेंथ है, इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, एफ बी डैश इज नाइदर ऑफ देम, राइट? तो इसलिए मैं एफ बी डैश को आई ट्राई टू राइट इन द नोन टर्म्स, नोन टर्म्स का मतलब इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फोकल लेंथ के टर्म्स में लिखना चाहूंगा। तो क्या मैं एफ बी डैश को ऐसे लिख सकता हूँ, पी बी डैश माइनस ऑफ पी बी डैश, माइनस ऑफ क्या, माइनस ऑफ पी बी डैश में से क्या घटा दो, पी बी डैश में पी एफ घटा दो, देखो अगर तुम्हें दिख रहा हो तो भाई एफ बी डैश को क्या मैं पी बी डैश माइनस ऑफ पी बी पी एफ कर सकता हूँ? यस सर। आई होप एवरीवन इज गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट? अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज प्लीज आस्क। नो सर। ठीक है, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, कैन आई राइट दिस फर्दर एज पी बी डैश, पी बी डैश इज अगेन इमेज डिस्टेंस माइनस ऑफ वी माइनस ऑफ पी एफ, तो माइनस ऑफ एफ, देखो पी से एफ का जो डिस्टेंस है इसी को तो फोकल लेंथ कहते हैं बेटा, ये फोकल लेंथ है, बिकॉज आई हैव टेकन ऑल द रेज पैराक्सियल। माइनस क्यों लगाया, बिकॉज यू हैव कंसीडर्ड द कॉनकेव मिरर, आपने मिरर कौन सा लिया है, तो मिरर आपने लिया है कॉनकेव, तो कॉनकेव अगर आपने लिया तो उसके उसमें फोकल लेंथ विल बी निगेटिव, तो दैट इज वाई आई एम राइटिंग माइनस ऑफ एफ। एफ पी एफ फिर से, तो पी एफ फिर से नीचे कैसा, माइनस ऑफ एफ, तो यहां से आप कह सकते हो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी can be written as equal to f minus of v divided by minus of f. This is my second equation. I hope यहाँ तक सबको clear है. Please note it down. Now you need nothing to do, you just equate the two equations because the left sides are same. Left side same hai, to right side ko equate karo and we will get an equation from that. To beta sabne agar note kar liya ho to we can proceed. Ab dekhiye sir, last point that we are supposed to do is ke bhai dono equation ka left hand side to same hai na, to left hand side same hai to right hand side ko equate kar lo. अब जब राइट हैंड साइड को इक्वेट करोगे तो आप क्या लिखोगे, v by u will be equal to f minus of v divided by minus of f, ये लिखोगे।
तो अगर यही लिखोगे तो इस केस में आप क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो दिस विल बिकम माइनस ऑफ एफ वी इज इक्वल टू यू एफ माइनस ऑफ यू वी। अभी देखो अभी भी यू हैवंट गॉट एनी इक्वेशन फ्रॉम दिस, अब डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड होल इक्वेशन, होल ऑफ दिस अबव इक्वेशन बाय यू वी एफ, ये पूरी इक्वेशन को यू वी एफ से डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ बी विल बी डिवाइडेड बाय यू वी एफ, तो दिस विल बी लेफ्ट एज माइनस ऑफ वन अपॉन, इसी तरह से ये वाला टर्म हो जाएगा वन बाई वी और ये वाला टर्म हो जाएगा वन बाई एफ, तो यहाँ से आप कह सकते हैं वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ, दिस इज दैट रिक्वायर्ड मिरर फॉर्मूला, ये आपका रिक्वायर्ड मिरर फॉर्मूला है, वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ। हो गया बेटे? यस सर। यस सर। तो वी हैव गॉट द मिरर फॉर्मूला, बस इस मिरर फॉर्मूले को व्हेन यू आर अप्लाइंग दिस मिरर फॉर्मूला यू नीड टू मेक श्योर दैट द साइन कन्वेंशन मस्ट बी करेक्ट, क्योंकि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने ये मिरर फॉर्मूला ड्राइव किया है जिसमें यू आर टेकिंग द इमेज डिस्टेंस टू बी एज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑल्सो एज नेगेटिव, बट नाइदर ऑफ द इमेज डिस्टेंस नॉर ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी नेगेटिव। क्या मतलब कि इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, इवन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पॉजिटिव हो सकता है एंड इमेज डिस्टेंस भी आपका क्या हो सकता है, इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव हो सकता है डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर यू गेट अ रियल इमेज और द वर्चुअल इमेज। तो इसलिए आप जब भी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो साइन कन्वेंशन का ख्याल रखेंगे, भाई आपने जो मिरर यूज करा दैट वाज द कॉनकेव मिरर, अगर यही कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा तो यही इसी का जो फोकल लेंथ है तो इंस्टेड ऑफ फोकल लेंथ बीइंग नेगेटिव इट विल बिकम पॉजिटिव, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब इसमें एक और चीज पे हम डिस्कशन कर लेते हैं जिसका नाम है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन दो टाइप का होता है बेटा, एक को हम कहते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, जो आप पढ़ते हुए आए हो अभी तक, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, और दूसरा मैग्निफिकेशन कहलाता है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन। अब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है, मान लीजिए कि ये मिरर है, इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर यू हैव प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो मान लीजिए कि एच नॉट है और ये इमेज मान लो कि यहाँ बनी है, मान लेते हैं सर, इसमें क्या जाता है डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग जगह पे बनेगी, रियल भी बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है, कुछ भी बन। तो मैग्निफिकेशन का एक तो सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि दिस इज सिंपली द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ये हाइट का रेशियो है, किसके हाइट का रेशियो है, इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो, ठीक है। तो इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, और याद रखिए कि जब आप मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे देन ऑल्सो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ द साइन कन्वेंशन। जैसे यहाँ पर जो मैंने इमेज दिखाया दैट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, और मैंने अभी आपसे बोला था कि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस अगर आपके पास कोई भी, इफ यू हैव एनी इमेज या ऑब्जेक्ट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस या ऑल द डिस्टेंसेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी टेकन टू बी नेगेटिव एंड ऑल द डिस्टेंसेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव, ठीक है। तो m इज इक्वल टू दिस मच, m इज इक्वल टू, इसी का दूसरा एक फॉर्मूला है माइनस ऑफ v बाई u, दिस इज इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगेन वाइल अप्लाइंग दिस फॉर्मूला यू हैव टू टेक केयर ऑफ द साइन कन्वेंशन विद द इमेज डिस्टेंस एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये माइनस तो फॉर्मूले वाला है बट रेस्ट v और u के लिए भी आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है। अच्छा, इसी मैग्निफिकेशन को और कैसे लिख सकते हैं, मान लो कि 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ है, एंड लेट अस डू वन थिंग, जस्ट डिवाइड, जस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय v। अगर आप दोनों साइड v से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड अगर आप v से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ऑफ v बाई u इज इक्वल टू v बाई f, यही तो हो जाएगा 1 प्लस v बाई u इज इक्वल टू v बाई f हो जाएगा। तो 1 प्लस ऑफ v बाई u इज इक्वल टू v बाई f, तो यहाँ से v बाई u को आप ऐसे लिख सकते हो v बाई f माइनस ऑफ 1। बेटे अगर तुम ध्यान से देखो
तुम अगर ध्यान से देखो तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ v बाई u इज इक्वल टू वन माइनस ऑफ v बाई f, टेल मी यस और नो? यस सर. व्हाट इज दिस माइनस v बाई u? m, m, दैट इज द मैग्निफिकेशन. तो ये मैग्निफिकेशन कितना हो गया, f माइनस ऑफ v डिवाइडेड बाई f. दिस इज इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ. इसी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और कैसे लिख सकते हैं सर? तो फिर से 1 by v plus 1 by u, again this mirror formula, just multiply both side by u. आप दोनों तरफ u से multiply कर दीजिए. तो यही formula क्या बन जाएगा, u by v plus of 1 is equal to u by f. तो u by v को हम क्या लिख सकते हैं, u upon v can be written as u by f minus of 1. u by f minus of 1 लिख सकते हैं. फिर से minus अगर हम दोनों तरफ ले लें, तो this will be equal to minus of u by v is equal to 1 minus of u by f. या आप यहां से ये भी कह सकते हो माइनस ऑफ यू बाई वी इज इक्वल टू एफ माइनस ऑफ यू डिवाइडेड बाई एफ. ये यू बाई वी मैग्निफिकेशन होता है या वी बाई यू मैग्निफिकेशन होता है? तो वी बाई यू, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लो. तो कैन आई राइट दिस एज एफ अपॉन एफ माइनस ऑफ यू? दिस इज अगेन द मैग्निफिकेशन. दिस टाइम वी हैव गॉट दिस मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. So this is the concept of transverse magnification. Ye jo aapko mil raha hai, this is the transverse magnification that you are getting. Now we will proceed to what is called as a linear magnification. To isko note kar lijiye. वेरी गुड सर. तो सर एक छोटा सा पॉइंट लीनियर मैग्निफिकेशन का सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम फर्दर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन दिस स्फेरिकल मिरर. द लास्ट पॉइंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड रिलेटेड टू दिस. अब ये लास्ट पॉइंट क्या है सर हमारा, लेट अस डिस्कस दैट. तो मैंने आपसे कहा था कि लीनियर मैग्निफिकेशन इज द अनदर मैग्निफिकेशन, और यहाँ पर हमें ट्वेल्थ में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन. अब देखो अभी जो हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था, इट वाज प्लेस अलोंग इट्स हाइट, जहां पर आपने विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करा है. यू डिडंट कंसीडर एनी विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट? आपने कोई विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट कंसीडर तो नहीं करा सर, सही? नो सर. अब अगर मान लीजिए कि सर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को है प्लेस्ड अलोंग इट्स लेंथ, सच दैट कि उसकी हाइट नेगलेक्ट कर लें आप. तो अगर मैंने इसको अलोंग द लेंथ प्लेस कर दिया, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ नीडल और आपने उस नीडल को प्लेस कर दिया, आपने उस नीडल को प्लेस कर दिया इस प्रकार से, तो उस नीडल को अगर आपने रख दिया इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, तो सॉरी इन फ्रंट ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर, तो उस नीडल की भी तो इमेज बनेगी, राइट है भाई? नीडल की इमेज तो बनेगी. उस नीडल की जो इमेज बनेगी, बिकॉज यू हैव प्लेस्ड द नीडल अलोंग इट्स लेंथ, तो इस निडल की जो इमेज बनेगी वो भी तो इमेज की कुछ लेंथ होगी बेटा. मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि दिस इज द निडल दैट यू हैव प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर एंड दिस इज इट्स इमेज ए डैश बी डैश, होगा या नहीं? इस केस में देयर विल बी नो हाइट बट देयर विल बी द लेंथ. तो इस केस में जो मैग्निफिकेशन डिफाइन किया जाएगा उसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं. लीनियर मैग्निफिकेशन विल बी रिटन एज लेंथ ऑफ इमेज. अच्छा, इस केस में इमेज कैसे निकालते हैं वो बाद में सीखेंगे हम इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. अभी तो बस इतना सा सीखे कि इस केस में आप कहेंगे लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी कंसिडर्ड एज मैग्निफिकेशन, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी कंसिडर्ड एज योर मैग्निफिकेशन. आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी. सॉल्व कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को भाई?
सॉल्व करने का मतलब कि हम कैसे वो निकालेंगे भाई कि इमेज कहाँ पर बनेगी, कैसे बनेगी, तो वो अभी हम क्वेश्चन के फॉर्म में सीख लेंगे। तो ये सब लिख लिया है आपने, तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना, सॉल्व करना। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी समझाने की कोशिश करूंगा मैं। वेरी गुड, तो चलिए लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। पहला क्वेश्चन, ये मिरर, ये पहला क्वेश्चन विथ अ कॉन्सेप्ट, ये मिरर, रे ऐसे आ रही है। अच्छा, ये रे डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है, कैसी रे नजर आ रही है? आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि द रे विच इज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, सच दैट कि अगर इन दोनों रे को विदाउट रिफ्लेक्शन अगर इनको डायरेक्टली हम मीट करा दें तो इट विल अपियर टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, द मिरर इज कॉनकेव एंड द फोकल लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आपको बताना है इसकी इमेज क्या होगी, इसकी इमेज डिस्टेंस क्या होगी। कुछ हजम हुआ सवाल? यू हैव टू फाइंड आउट द इमेज डिस्टेंस। सर ये कौन सी बात हो गई, इसमें वो जो आपने कन्वर्ज कराया फिर वो क्या है? चलिए सर मैं बताऊं, आप लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं सर, मतलब वो नहीं हो रहे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या, वही तो बताना है मेरे को, वही बताना है है ना बेटा, वही आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है जो मुझे सिखाना है। पहली बात, एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि जब भी किसी रियल ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं रियल ऑब्जेक्ट, दूसरे को हम कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो याद रखिएगा जब भी आपका रियल ऑब्जेक्ट होगा तो रियल ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो रे होती है, आई रिपीट कि रियल ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो रे होती है वो हमेशा डाइवर्जिंग होती है। ये सुना होगा ना आपने, किसी भी ऑब्जेक्ट से जो रे निकलती है वो कैसी होती है, डाइवर्जिंग नेचर की होती है बेटा। और ये जो रे हम कह रहे हैं भाई ये किसी ऑब्जेक्ट से रे आ रही है और उस रे को हमने कैसा दिखाया हुआ है, तो इस रे को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो रे है वो कन्वर्जिंग नेचर की है, नहीं है बेटे? Yes, तो जब रे इस तरह की कन्वर्जिंग नेचर के ऑब्जेक्ट से रे दिखाई दे, मतलब किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली रे आपको कन्वर्जिंग दिख रही हो, तो आप हमेशा ये इस बात को याद रखिएगा कि इस केस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो रियल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। कैसा ऑब्जेक्ट होगा? ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या मतलब सर, क्या बोले सर, समझ ही नहीं आया सर। भाई इसका ये मतलब है कि अगर यहाँ पर मिरर नहीं होती तो ये जो रे है यहां से आके वो कहां पर कन्वर्ज करता है, यहां पर। तो जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज करता, या आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो कि जिस पॉइंट से वो डाइवर्ज होता हुआ आपको नजर आ रहा है, इस मिरर के लिए जिस पॉइंट से वो डाइवर्ज होता हुआ नजर आ रहा है वही पॉइंट आपका क्या है, वही पॉइंट आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, दिस इज नॉट द केस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, इट इज द केस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। पता नहीं क्या पढ़ा रहा है ये। Yes, sir. ठीक है, ये दिस इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी अगर आप डिस्टेंस मेजर करोगे फ्रॉम द पोल तो यू विल बी गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, am I correct? आप पोल से ये वाली डिस्टेंस मेजर करिए तो यू विल बी मेजरिंग दिस डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है यहाँ पर ये प्लस 40 सेंटीमीटर है। अच्छा एक बार सक्षम साहब, अभी एकदम मत रट लीजिएगा कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज डिस्टेंस प्लस ही होगी, जरूरी नहीं है। इवन इन द केस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट द इमेज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैन बी नेगेटिव। आई रिपीट कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा हो सकता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है। नहीं पल्ले पड़ाना आप लोगों को, ठीक है? अभी भले इस केस में जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है वो आपका प्लस 40 आ रहा है, बट हमेशा प्लस होगा ये जरूरी नहीं है। वेरी गुड आसिया, तो हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है। कुछ नहीं करो, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। सर ये कहां से लिख दिया? भाई ये कहीं से नहीं लिखा है, वही जो आपने 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ पढ़ा है उसी को अगर हम
डायरेक्ट लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस ऑफ एफ. इसमें आप साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 हो गया, फोकल लेंथ की वैल्यू माइनस ऑफ 10 होगी बिकॉज इट्स अ कॉनकेव मिरर, फिर से 40 माइनस ऑफ 10 तो ये जीरो एंड दिस जीरो विल कैंसिल आउट फ्रॉम दिस. तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ 40 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है, विथ अ नेगेटिव साइन. अच्छा माइनस 8 का क्या मतलब, can you guess on the nature of the image ke whether it is real or virtual? Real, very good. Image jo ban rahi hai, object virtual hai, right? But jo yahan par image form ho rahi hai, that is real. Matlab ek virtual object ki image real ho rahi hai, possible hai bhai? Nahi aaya hai shayad aap logon ko maza? Yes sir. Yes. आ गया समझ में कि ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल है बट इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है. क्या सर हमेशा ऐसा हुआ, ये भी जरूरी नहीं है भाई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज वर्चुअल भी हो सकता है. मतलब दोनों पॉसिबिलिटी अपनी जगह हो सकती हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज वर्चुअल हो सकता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज रियल हो सकता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव भी हो सकता है, वर्चुअल